आज हम लेके आए हैं लेसन नंबर टू का लेक्चर नंबर फाइव। लेसन नंबर टू का जो लेक्चर नंबर फाइव है वो कोई छोरी पर आधारित नहीं है, बस केवल आंकिक प्रश्न, जो गाउस से नियम के संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न इंपोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन में आ रखे हैं, चाहे वो आपकी बुक में है, चाहे वो किसी और गाइड में दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज को, और पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो पढ़ेंगे, पहला न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो हम पढ़ेंगे, जो आपकी बुक का उदाहरण नंबर 2.2 है। ये बुक का उदाहरण नंबर 2.2 क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन को इस प्रकार, एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, मतलब क्या, हमने एक बेलन रखना है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, वो इस प्रकार रखना है कि उसका अक्ष जो है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो कह रहा है कि कुल प्रदर्शित कीजिए कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो देखिए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2.2 में। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को डायग्राम बना लेते हैं। पहली चीज गिवन में क्या दे रखी है, एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रो कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बेलन इस प्रकार रखा हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये एक बेलन है, ये एक बेलन रखा हुआ है जिसके में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं कर रहा अंदर वाली लाइन, ये बेलन रखा गया है। इस बेलन का जो अक्ष है, इस बेलन का अक्ष दे रखा है जो कि क्या है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए सबसे पहले ये जो बेलन है, बेलन कुल तीन पृष्ठों से मिलकर बनी है, कुल तीन पृष्ठों से मिलकर बनी है, ठीक है। हमें क्या बताना है, कुल विद्युत फ्लक्स जो है, कुल विद्युत फ्लक्स वो कितना है, शून्य है, शून्य है। तो कुल कौन कौन से पृष्ठ वर्ता का, देखिए सुनो, तो S1 और ये कौन से, S2। तो S1 S2 तो कौन से, S1 व S2 वर्ताकार पृष्ठ, जबकि S3 पृष्ठ जो मैंने माना है वो कौन सा है, वक्राकार कह सकते हो या फिर बोल सकते हैं बेलनाकार पृष्ठ। अतः बेलन से, बेलन से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स ये कितना होगा, ये तो फाई नेट होगा, वो कुल तीन प्रश्नों से मिलकर बना होगा, पहला फाई वन एस वन प्रश्न के लिए, फाई टू एस टू, फाई टू फाई एस टू और फाई एस थ्री, ठीक है। सबसे पहले इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के पद हम लिखे तो कितना आ जाएगा, ई नेट जो आ जाएगा वो एस वन सर्फेस के लिए जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फोर एस वन प्रश्न प्लस इंटीग्रल एस टू, वो कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेट एस थ्री ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमें क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य बनने वाला कोण। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण निकालने के लिए हमने इन तीनों प्रश्न पे क्या कर दिया, एक डीएल पांच की कल्पना कर दी। ये असल प्रश्न था, इसका डीएल पांच जो है वो इस तरफ है, और जबकि क्षेत्रफल सदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरफ है, तो ये एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। दूसरा प्रश्न मैंने ये लिया, इस प्रश्न पे मैंने क्या किया, डीएल पांच की कल्पना की, डीएल पांच का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस तरफ है, इस तरफ, तो एस टू सर्फेस के लिए बराबर कितना है, 0 डिग्री। अब तीसरा जो सर्फेस है उसमें मैंने क्या किया, डीएल पांच की कल्पना की, डीएल पांच किस तरफ जाएगा, तल के लंबवत बाहर, ये डीएल पांच, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ है, इस तरफ, थीटा बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री। तो पहले सर्फेस के लिए थीटा बराबर आएगा हमारे पास 0 डिग्री, दूसरे सर्फेस के लिए, सॉरी फर्स्ट सर्फेस के लिए कितना आया था, 180 डिग्री, सेकंड सर्फेस के लिए 0 डिग्री, और थर्ड सर्फेस के लिए कितना आ गया था, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट का डाल देते हैं और कॉस थीटा लगा देते हैं, तो फाई नेट जो आएगा वो कितना आएगा, ई ई डी ए
कॉस 180 डिग्री प्लस इसी इंटीग्रल एस टू सरफेस के लिए या एस वन सरफेस के लिए था पी डी ए कॉस पी डी ए कॉस 0 डिग्री थर्ड सरफेस के लिए एस थ्री सरफेस के लिए होगी तो होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखियो ये कितना आएगा 180 का माइनस आएगा तो माइनस मैंने बाहर ले लिया तो कितना देगा एस वन सर्फेस के लिए कितना देगा ई डी ए प्लस फिर इंटीग्रेशन एस टू सर्फेस के लिए वो कितना आएगा ई डी ए और एस थ्री सर्फेस के लिए 90 के कारण कितना होता है जीरो क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होता है जीरो। अब हमारे पास इसको सॉल्व करें तो देखो जो विद्युत फ्लक्स है जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है वो क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण ई जो होगा वो क्या है कॉन्स्टेंट कह सकता हूँ अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है समाकलन से बाहर जाता है तो फाई नेट जो आएगा वो कितना आएगा ई बाहर निकलने पर इंटीग्रेशन एस वन और डी ए प्लस फिर ई बाहर निकल गया और ये कितना देगा एस टू सरफेस के लिए और ये कितना देगा डी ए। अब देखा जाए बेटा ये जो वर्ताकार भाग है तो हमने क्या माना माना वर्तीय भाग की त्रिज्या वर्तीय भाग की त्रिज्या आर हो तो आर हो तो होगा डीए का मान चाहे वो एस वन सर्विस के लिए ले लो डीए का मान चाहे वो एस टू सर्विस मतलब इस पूरे प्रश्न का क्षेत्रफल कितना होगा एस वन एस टू का वो किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया इसमें पाई आर स्क्वायर का मान रख दिया तो पाई आर स्क्वायर का मान रखने पर फाई नेट जो आएगा वो माइनस ई पाई आर स्क्वायर और प्लस ई पाई आर स्क्वायर माइनस का टर्म पॉजिटिव टर्म से कट गया तो नेट कितना गया जीरो फाई नेट बराबर कितना आ गया जीरो वोल्ट इनटू कितना आएगा मीटर। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल पोर्शन हो चुका। सेकंड न्यूमेरिकल है जो हमारा बुक के आंकिक प्रश्न का छठा क्वेश्चन आंकिक प्रश्न का छठा क्वेश्चन क्या करे एक प्रस्तुत चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है तो इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स का परिमाण बताइए। देखिए बेटा सुनो सबसे पहले जो आंकिक प्रश्न छठा हमारे पास है वो दिख रहा है आपको लिखा हुआ ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर तो गिवन में क्या दे रखा है भुजा की लंबाई मैंने मान ली वो ए है तो देखा है 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.01 मीटर इसके सेंटर से केंद्र से जो चार्ज रखा गया 5 सेंटीमीटर दूरी पर वो कितना रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम स्थित है तो इस वर्ग के तो इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण निकालना अपने को जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ये हो गया ए ये बी ये सी और ये डी इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये हमने मान लिया इसको मैं निकाल मान लिया एक्स तो ये 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर दे रखा है ये यहां पर एक चार्ज पहले से क्यू जो दे रखा है प्लस 10 माइक्रो कूलम बोले तो कितना 10 इंटू 10 प्लस की पावर माइनस 6 कूलम सोल्व करने पर 10 की पावर माइनस 5 कूलम आवेश स्थित। तो इस वर्ग जो दे रखे हमारे पास ए बी सी डी इससे निर्गत फ्लक्स की तौर पर हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो पहली बात है कि देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है ना ही क्षेत्रफल सदिश है इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगाने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि इसमें दो चीज चाहिए तो एरिया और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में हमारे पास नहीं लगे हुए कौन सा गॉस का नियम। अब गॉस का नियम लगाए तो गॉस का नियम लगा तो लेंगे समेशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट होता है बट गॉस के नियम से पहले हमें चार्ज को बंद भी तो करना पड़ेगा ना। अब चार्ज को बंद कैसे करें सबसे पहले हमारे लिए मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये तो चार्ज को क्लोज करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इस जो घन की भुजा थी देखो ये 5 सेंटीमीटर है इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ 5 सेंटीमीटर ये यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींच ली। अब इसको 10 सेंटीमीटर बढ़ाया इसको भी 10 सेंटीमीटर बढ़ाया इसको भी 10 सेंटीमीटर बढ़ाया और इनको मिला दिया मैंने ये देखो तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहां से लेकर यहां तक 0.05 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक कितना देगा 0.05 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ ये घन बन गया नहीं बना क्योंकि देखो ये वर्ग है इस वर्ग से 5 सेंटीमीटर ऊपर तो 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके मैंने एक प्रश्न इधर से चार प्रश्न लेके क्लोज कर दिया तो मतलब निकाय बंद हो गया नहीं हो गया। अब हम क्या लगा सकते हैं गॉस का नियम क्योंकि गॉस का नियम तभी लगता है जब प्रश्न क्या हो बंद मतलब हमें आवेश दिखना नहीं चाहिए।
अगर आदेश दिख रहा है तो गॉड्स का नियम किसी भी हालत में नहीं लगेगा, ये आपको रिमेंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। तो अब हमारे पास जो चार्ज था वो घन के अंदर बंद हो चुका था, तो घन के अंदर जो बंद हो गया तो संपूर्ण संपूर्ण निकाय से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण निकाय से निर्गत फ्लक्स, और वो फ्लक्स कितना होगा गॉस के नियम से, समेशन क्यू अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू कितना है क्यू एप्सिलॉन नॉट कितना है ये। एक बार के लिए मैं इसका मान नहीं रखूंगा, सॉल्व भी नहीं करेंगे हम इसको, पढ़े रिकॉर्ड। अब हमें तो ये वर्ग पे रखा है ना ए बी सी डी, उससे निर्गत फ्लक्स निकालना है। तो वर्ग ए बी सी डी जो है इस आवेश को ढकने के लिए अपना कितना भाग योगदान कर रहे हैं। तो देखो घन के सिमेट्री फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक है, ये भी वाला फलक, इधर वाला भी, ऊपर वाला भी, नीचे वाला, दाएं बाएं, मतलब कुल छह फलक होते हैं, जबकि एबीसीडी उसमें से एक फलक है। तो वर्ग ए बी सी डी से निर्गत फलक जो है वो हमने मान लिया कि वर्ग ए बी सी डी से, तो वो कितना होगा, वो संपूर्ण घन का छठवा भाग दे रहा है। तो ये हमारे पास संपूर्ण निकाय जो था उसका कितना भाग दे रहा है छठवा भाग, संपूर्ण निकाय छठवा भाग कितना होगा क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान रखे एन की पावर माइनस 5, और इसको बेटा मैं 4k के पदों में लेके आ रहा हूं, तो एक बार के लिए 4k के पदों में लेके आ जाते हैं, तो 4 पाई के क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा देखो बेटा बताओ 4 3.14, और के का मान होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू गुलाम का मान जो होता है, इसका जो मान है वो 10⁻⁵ होता है माइनस 5, और ये कितना है 6। प्रिय विद्यार्थियों इसको मैंने एक बार इसे काट दिया तो ये कितना बन गया 2, यहाँ पे आया 3, इसे काटने पर ये कितना कट गया 3 बार। अब इसको गुणा करना है तो जो आंसर आएगा उसके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो वर्ग है ए बी सी डी वो कितना है 2 × 3.14 × 3 कितना हो जाएगा 10⁴। तो 6 को पाई से गुणा कर दीजिए 6 को, तो इसका मैं मैसेज दे सकता हूँ 6π × 10⁴, ये कितना आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर फ्लक्स हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा जो आंसर है हमारे पास वो आ चुका है, पर इसको सॉल्व करने के लिए देखो बेटा कि हमें कह रहा है एक वर्ग दे रखा है, इस वर्ग के 5 सेंटीमीटर ऊपर देखो, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर रेल में ये पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके मैंने समांतर फलक बना लिया, उसके बाद समांतर फलक को बंद करने के लिए मैंने घन बना लिया, तो हमारा आवेश हो गया वो परिबद्ध हो गया आयतन में। अगर आवेश आयतन में परिबद्ध हो गया तो अब क्या लगाएंगे गॉस का नियम, वो भी संपूर्ण निकाय के लिए लगता है, संपूर्ण निकाय के लिए लग दिया। अब जो एबीसीडी वर्ग है वो घन का केवल एक फलक है, तो घन में कुल कितने होते हैं 6 फलक, तो अपना कितना भाग दे रहा है छठवां भाग योगदान कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये कितना आ गया 1/6। ठीक है, अब आगे चलते न्यूमेरिकल, चलते हैं तीसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि घमासान इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने की इसकी 101% संभावना पूरी पूरी रहती है। इसके अलावा कंपटीशन क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल कंपटीशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर ये अपना बहुत महत्वपूर्न योगदान निभाता है। आप इधर से कंपटीशन प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख सकते हो, बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंपटीशन में अंदर आ रखा है ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल पोर्शन को, ये जो टॉपिक है नया प्रकार का टॉपिक भी कह सकते हो और एक क्वेश्चन के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है घन संबंधित समस्या, घन संबंधित आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न मतलब जो क्यूब के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है गॉस के नियम से संबंधित, वो हमें इस चीज के बारे में पढ़नी। पहली बात, ये घन संबंधित समस्या कोई कोई सॉलिड स्टेट की नहीं है, ये गॉस के नियम से रिलेटेड है, गॉस के नियम। ठीक है, देखो यहां पर जो आपका बुक का आंकिक प्रश्न 3 है वो भी आपको यहां दिख रहा है, बुक का आंकिक प्रश्न 3 तो है वो भी इसी के कह रहा है कि प्रश्न 3 दे रखा है आपका आंकिक प्रश्न, वो दे रखा है एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू एक ए मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया। पहली बात कह रहे ए मीटर भुजा वाले, देखो हमारे पास धनात्मक आवेश दे रखा है, धनात्मक आवेश वो दे रखा है प्लस क्यू, कहां स्थित है ए मीटर, ए मीटर भुजा वाले घन में रखा गया है। अब घन में कहां रखा गया वो हमारे पास आगे चलेंगे। पहली बात है हमें कहां निकालना है, पहले दो क्वेश्चन इसमें निकालने होते हैं मेन प्रश्न। पहला होता है संपूर्ण निकाय से
फ्लक्स, ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन रहेगा इसका। दूसरा क्वेश्चन जो फॉर्म में रहेगा वो रहेगा हमारे पास एक घन से, एक घन से निर्गत फ्लक्स। अगला हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा वो है, देख लो तुम क्या, देखो तीसरा क्वेश्चन, घन के प्रत्येक फलक से, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स। ठीक है, ये तीन हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगी इसमें। पहला तो हमारे पास जो केस फर्स्ट रहेगा, प्रत्येक केस में हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला प्लस क्यू आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो। पहला कह रहा है प्लस क्यू आवेश जो है वो घन के केंद्र पर स्थित होना चाहिए, तो ये लो हमने घन बनाया। इस घन के थोड़ा डायग्राम ढंग के नहीं हो तो एडजस्टमेंट करना थोड़ा, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। तो देखो पहली बात, इस घन ने इस प्लस का आवेश को पूरा पूरा ढक दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण, पहला हमारे दो क्वेश्चन है वो संपूर्ण निकाय का तो रहा ही नहीं, क्योंकि निकाय में तो एक ही बनाना पड़ा घन, अगर दो चार घन आते तो निकाय बनता, तो ये हमारे पास है कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारे पास दो होगा वो उसके इक्वल होगा। अब दे रहा है एक घन से निर्गत फ्लक्स, तो मतलब एक ही घन है तो संपूर्ण घन बोल सकता हूं, संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स वो कितना होगा, फाई बराबर गॉस के नियम से समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू इनसाइड, तो समेशन क्यू अंदर कितना तार है इसके अंदर, एक प्लस क्यू वैसे हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारे पास किससे हो गया, घन से रिलेटेड। अब तो दोबारा दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है घन के एक फलक से, एक फलक से निर्गत फ्लक्स वो कितना होगा। देखो बेटा घन का जो एक फलक है वो अपने इसको ढकने की सात को ढकने के लिए छठवां भाग योगदान कर रहा है, क्योंकि कुल कितने फलक है, एक दो तीन चार ऊपर नीचे वाले दाएं और बाएं वाला, तो कितना हो जाएगा हमारे पास कुल छह। तो कुल छह है तो घन के एक फलक से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, फलक से रिलेटेड वो कितना होगा, एक बटे छह संपूर्ण घन। तो संपूर्ण घन कितना है, क्यू अपॉन में सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास पहला पोर्शन हो गया। केस सेकंड क्या कह रहे हैं, प्लस क्यू आवेश घन के फलक के केंद्र पर स्थित, फलक के केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो। कैसे बेटा सुनना, देखो डायग्राम, ये हमने घन बना लिया, इस घन के फलक के केंद्र पर, तो यहां पर एक आवेश स्थित है प्लस क्यू। तो पहली बात, ये संपूर्ण निकाय गाउस का नियम अभी नहीं लग सकता, क्योंकि गाउस के नियम लगाने के लिए सबसे पहले वो आवेश उसके आयतन में परिवर्तित होना चाहिए। तो देखो ये घन के आयतन में नहीं, घन के बाहर भी आपको ये चार्ज दिख रहे हैं, तो इसको ढकने के लिए हमें सेम साइज का एक घन और यहां रखना पड़ेगा। तो जब सेम साइज का घन अगर मैं यहां रख दूंगा, देखना बेटा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेम साइज का घन मैंने यहां रख दिया, देखो बेटा ये चार्ज बंद हो गया नहीं होगा, अब ये चार्ज छुप चुका है। तो अगर ये चार्ज छुप चुका है, मतलब समझ सकते हो कि घर में एक कमरे में खिड़की है, तो अगर उस कमरे के अंदर खिड़की है उसके पीछे दस कमरा है, तो वो खिड़की तो होगी वो दो कमरे को ही ढकेगी रखे हुए, ठीक है, तीसरे कमरे में उसका कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए ये तो होगा, पहले जो अब निकाय बन चुका है क्योंकि घन दो आ चुके हैं, तो संपूर्ण निकाय से पहला पोर्शन जो आता है संपूर्ण निकाय से, संपूर्ण निकाय से जो सिस्टम है हमारे पास उससे रिलेटेड फ्लक्स दिखे, तो वो कितना होगा गॉस का नियम से समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू कितना है इसके अंदर, प्लस क्यू, और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू वो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस क्यू दे, वो आपको आठ क्यू छह क्यू दस क्यू कुछ भी दे सकता है, तो उसको आपको समेशन क्यू इनसाइड है वो वेरी कर सकता है, ध्यान रखना,
उस न्यूमेरिकल पोर्शन आपको दिखे होंगे यहाँ पर, आपने देखे उसको वापस बैकग्राउंड बैक करता है, देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन में कभी 8Q दे रखा है, कभी 6Q दे रखा है, कभी 3Q दे रखा है, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो प्रॉब्लम क्या दिया है कि एक घन से निर्गत फ्लक्स। तो बेटा आप एक बात सोचो कि एक घन से निर्गत फ्लक्स, तो सबसे पहले आप एक चीज रखो कि एक घन अपना कितना रोल कर रहा है इसको ढकने के लिए, आधा रोल कर रहा है, क्योंकि यहां पर दो ही तो घन है, दो घन है तो दोनों घनों ने इसमें ढक दिया, तो एक ने कितना रोल किया आपको, आधा रोल किया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हो गया हाफ संपूर्ण निकाय के लिए, तो हाफ संपूर्ण निकाय तो क्यू अपॉन में कितना जाएगा 2ε0। अब ये तो हो गया हमारे पास, अब हमें क्या लेना है घन के एक फलक से। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें घन में 6 फलक होती है, हम मानते हैं इस चीज के बारे में, पर बेटा जिस फलक पर आवेश स्थित होता है ना, उस फलक का विद्युत फलक्स में कोई योगदान नहीं होता, क्यों नहीं होता आप सुनना, देखो ये जो चार्ज स्थित है ना, इस चार्ज का फलक्स इधर भी जा रहा है, फील्ड लाइन इसमें इधर भी जा रही है, तो जितनी लाइन इधर जा रही है उतनी लाइन क्या जा रही है इधर, तो अगर ये फलक देखो जो मैं डार्केट कर रहा हूं, इसको मैं ABCD दे दूंगा बाद में नाम, ये देखो ABCD, इसमें वो चार्ज जो है वो सेंटर पर स्थित है, तो अगर कोई चार्ज किसी क्षेत्रफल में स्थित है, जितना फलक्स इधर जाएगा उतना क्या जाएगा उधर, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या मान लें नेगेटिव, नेट कितना हो गया 0। इसका मतलब इस ABCD से रिलेटेड फ्लक्स नहीं होगा, तो कुल फ्लक्स कितने बच गए 5। समझ मार दे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसने इसको योगदान नहीं किया, ढकने का योगदान बस इसने किया था इन 500 ने, क्योंकि इन 500 ने ढका, ये तो वहां पर स्थित था, ये तो दिख रहा था उस कारण से, आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो चीज है वो ये कह सकते हो कि अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज यहां स्थित है ना, तो इसने इसको नहीं ढका, ढकने का काम अगर इसने किया, अगर यहां से मैं ये फलक हटा दूंगा ना, तो आपको चार्ज दिखेगा अंदर, समझ में आया। तो यहां पर जिस फलक सुनना, सीधा कांसेप्ट ये होता है, जिस फलक पर आवेश स्थित होता है उससे निर्गत फलक्स 0 होता है, अतः शेष फलक्स कितने बच गए 5। तो अब एक फलक से निर्गत फलक कितना बचेगा, वो हो जाएगा 1/5 φ^3, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 q/ε0। ये दूसरा न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया। केस थर्ड देखा जाए, केस थर्ड क्या कहता है, यदि प्लस क्यू आवेश घन के कोर पर स्थित हो, तो घन के कोर पर स्थित होने का मतलब क्या, देखो सुना बेटा ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है, थोड़ा बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ज्यादा घन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें, अब कोर का मतलब हमारे पास आवेश यहां स्थित से सबसे पहले हम गॉस का नियम अभी नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज अभी भी दिख रहा है, सबसे पहले चार्ज छिपाओ, चार्ज छिपाने का मतलब हमें इसके दाएं भी घन रखना पड़ेगा, तो मैंने दाएं भी क्या रख दिया, एक घन रख दिया, बट दाएं घन रखने से कुछ फायदा नहीं हुआ बेटा, फायदा हुआ कि हाँ ठीक है थोड़ा ढक दिया, पर ऊपर से तो दिख रहा है, अभी मैं इसको ऊपर से देख सकता हूं, इसका मतलब मुझे ऊपर से भी ढकना पड़ेगा, तो दो घन और लाऊंगा और उसके ऊपर रख दूंगा, तो देखो दो घन जब और लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो घन और आ चुके, ये दो घन, अब ये चार्ज पूरा ढक चुका है पूरा, आगे समझ दे। तो इसका मतलब देखो पहली चीज संपूर्ण निकाय से निर्गत फ्लक्स, तो देखो बेटा संपूर्ण निकाय से निर्गत फ्लक्स अगर चार्ज उसने ढक दिया ना, चाहे घन 25 चाहिए चाहे घन 2000 चाहिए, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर चार्ज पूरा ढक चुका है उसके बाद जितने घन की रिक्वायरमेंट थी उन सभी से निर्गत फ्लक्स समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी इनसाइड चार्ज कितना है क्यू, हाँ इनसाइड वाला चार्ज वेरी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा रिमाइंड के रूप में। अब देखा जाए बेटा एक घन से
निर्गत फ्लक्स। अब ये तो समझ लीजिए बेटा एक घंटे कितना होगा, तो प्रत्येक एक घंटे से संबंधित फ्लक्स होगा, क्योंकि इसको ढकने के लिए कितने घन की रिक्वायरमेंट हुई, कुल चार घन की रिक्वायरमेंट हुई, तो एक ने अपना कितना दिया चौथा योगदान, तो एक घन से रिलेटेड फॉर्मूला होगा तो 1/4 समेशन पूरे संपूर्ण निकाय का, तो ये कितना आएगा क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास एक घन से रिलेटेड होगा। अब देखा जाए एक फलक से, फिर से वही बात कि दो फलक जिस फलक पर चार्ज स्थित है उस फलक का कोई योगदान नहीं होगा। देखो जब ये चार्ज यहां रखा गया था तो मैं एक घन की बात करूं तो देखो बेटा तो ये फलक जो मैं डार्केट कर रहा हूं ये वाले और एक ये फलक, इन दोनों पे चार्ज आ चुका था, तो ये देखो मैं डायनोमी देता हूं ए बी सी डी और ये ई एफ, इसका मतलब देखो इधर से चार्ज की फील्ड के लिए इधर इधर से इधर एरिया वेक्टर इधर जा रहा है इसका, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किस तरफ जाएगा तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये रहा, तो देखो ई इधर है और ए सॉरी एरिया वेक्टर इधर है और ई इधर है तो कितना होगा 90, तो ये फलक कितना कर देगा 0। अब देखा जाए इसका एरिया वेक्टर जो बेटा इस तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है कितना हो गया 90। वरना आप सिंपल ध्यान रखो जिस फलक पर चार्ज स्थित होता है जो फलक चार्ज को टच करता है उस फलक का फलक्स में कोई योगदान नहीं होता, तो घन से दो फलक चले गए तो कितने बचे कुल चार, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पर कि एक फलक से रिलेटेड जो होगा वो हो जाएगा 1/4 संपूर्ण घन, संपूर्ण घन से देखा जाए तो कितना आ जाएगा 16/ एप्सिलॉन नॉट। आया संबंध में मैं फिर से बता देता हूं इस चीज के बारे में, जिस फलक जो चार्ज जहां रखा है वो उस फलक को टच कर रहा है उस फलक का चार्ज में सॉरी फलक्स में कोई योगदान नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केस फोर्थ देखा जाए लास्ट है, वो कहता है फ्लक्स क्यू आवेश घन के कोने पर स्थित है, कोने पर स्थित है। अब ये डायग्राम थोड़ा घमासान बनने वाला है, आप इसको देखना समझना इस चीज को डायग्राम को, ठीक है। ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश दे रखा है वो कोने पर स्थित है, अब ये देखो कोना, अब आप समझ गए होंगे कोने के आवेश ढकने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो इधर फलक बनाना पड़ेगा, ये लो चलो ठीक है हमने बना दिया, अभी भी चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब दो जो ये इधर पड़े इसको दो इधर लाके रखने पड़ेंगे, तो मैंने दो इधर लाके रख दिए, ये लो ये देखो ठीक है लाके रख दिए हमने जुगाड़ बना दिया, चार घंटे इधर आ चुके, तो क्या अभी चार्ज दिखना बंद हो गया है क्या, नहीं हुआ, अभी ऊपर से चार्ज दिख रहा है मुझे, इसका मतलब चार और घन चाहिए, वो क्या आएंगे इसके ऊपर, तो ये लो भाई साहब चार और घन आ चुके हैं, थोड़ा डायग्राम जो है थोड़ा डरावना है, टिके रहना, ये देखो कुल कितने घन हो गए, चार तो आगे वाले चार कितने हो गए पीछे वाले, ढक दिए पूरे उसने तो कितने हो गए 8 घन हो गए, ये ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। तो पहली बात देखा दे संपूर्ण निकाय से निर्गत फलक, संपूर्ण निकाय से निर्गत फलक कितना होगा 5 निकाय, वो कितना हो जाएगा हमारे पास समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, इन 8 घनों ने ढककर योगदान दिया तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो 4 अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट घन कितना है उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखा जाए बेटा एक घन, तो प्रत्येक घन कह सकते हो या एक घन कह सकते हो, प्रत्येक घन से तो एक घन ने अपना जितना योगदान दिया बेटा कुल 8 घन थे इसको ढकने के लिए, तो एक ने कितना योगदान दिया होगा 1/8 वा 1/8 संपूर्ण निकाय का, तो 1/8 उसके तो क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम देखी थी हमारे पास, थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है प्रत्येक फलक से, तो पहली बात मैं पहले बता चुका हूं आपको जिस फलक पर चार्ज स्थित है या जो आवेश जिस फलक को टच कर रहा है उसका फलक्स में कोई योगदान नहीं होगा, तो प्रिय विद्यार्थियों आप इस चीज को समझना, अगर चार्ज यहां स्थित है तो एक तो ये फलक एक आगे वाला ये वाला एक उसके पीछे वाला देखो बेटा एक ये ऊपर वाला, 3 फलक योगदान नहीं करेंगे,
मतलब सुनो एक मिनट के लिए, वो कॉर्नर आपको नहीं दिख रहा, पर कॉर्नर में स्थित चार्ज होगा, वो एक तो इधर टच करेगा, एक इधर टच करेगा, एक इधर। आप जहां जिस कमरे में बैठे उस कमरे का कोना देखो, वो कोना तीन फलकों को टच कर रहा है। तो तीन फलकों को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तीन फलक तो गए, तो बचे कितने घन में? तीन फलक। हमारे पास कितना हो जाएगा? एक फलक से रिलेटेड तो प्रॉब्लम होगी, वो कितनी हो जाएगी? वन बटे थ्री संपूर्ण घन से। तो बेटा कितना आ जाएगा? एक बटे आठ या चौबीस, चौबीस क्यू को कितना देगा? एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक फलक से रिलेटेड आ गया। घन से रिलेटेड ये जो अंकिक प्रश्न थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इस तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो हर कंपिटिशन को, हर कंपिटिशन प्रॉब्लम्स के अंदर, हर कंपिटिशन के अंदर ही आने की संभावना रहती है। ठीक है, वैल्यू बस इतनी ही चेंज होगी, आपको समेशन क्यू का मान चेंज कर सकता है, समेशन क्यू का मान आपको सुविधा के अनुसार दो देना चाहिए दे सकता है, जिसे मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कह देता हूँ यदि एक, देखो यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को करते हैं, यदि एक फोर क्यू, तो इसका मतलब समेशन क्यू इनसाइड जो है वो कितना है? फोर क्यू आवेश स्थित है, तो फोर क्यू आवेश घन के एक कोर पर स्थित है, तो घन के एक फलक से निर्गत फलक कितना होगा? तो यहाँ पे जो हमारे पास समेशन क्यू इनसाइड जो आएगा उसमें बेटा चार्ज कितना दे रखा है? फोर क्यू सिक्सटीन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा? वन बाई फोर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? चार्ज वेरी करके इसके जितने क्वेश्चन बनाने थे उतने बना सकते हो। जो अंकिक प्रश्न फर्स्ट है वो क्या कह रहे हैं? किसी बंद पृष्ठ सॉल्यूशन में हमें गिवन दे रखा है, गिवन में हमें ये दे रखा है कि इनसाइड फ्लक्स मतलब जो एंटर कर रहा है, तो एंटर फ्लक्स दे रखा है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुल, और जो निर्गत फ्लक्स है आउटसाइड फ्लक्स वो निकलना जो है वो कितना है? 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। तो कह रहा है इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश बताओ। सपोज कोई बंद पृष्ठ जिसमें एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है? 400 है, और निकलने वाला फ्लक्स कितना है? 800। इसका मतलब आया कम और गया क्या? ज्यादा। इसको समझ सकते हो कि पाइप के अंदर पानी है, उस पाइप के अंदर पानी है, उस पाइप को मैंने नल से कनेक्ट कर दिया, और नल में जो पानी आया वो कितना है? 2 लीटर, और पाइप जो था मान लेते हैं 5 मीटर लंबा या 10 मीटर या 100 मीटर लंबा था, जबकि पूरा पानी जब पाइप को समेट के निकाला गया तो आया पानी 3 लीटर। इसका मतलब पाइप के अंदर भी कुछ पानी था। यहां पर भी कुछ ऐसे ही है कि आने वाला फ्लक्स तो कितना है? वो है 400, निकलने वाला कितना है? 800, मतलब दोगुना। बीच में कुछ ना कुछ था, तो बीच में क्या था उस सिस्टम के अंदर? हो सकता है उस सिस्टम के अंदर 400। तो पहले हम देखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, तो फाइंड आउट में हम क्या निकालेंगे? बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, बंद पृष्ठ परिबद्ध कुल आवेश देखा जाए तो आवेश देखा जाए, फलन निकालेंगे फ्लक्स में परिवर्तन। चैन इन फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? आउटसाइड मतलब निर्गत कह सकते हो, निर्गत माइनस कितना होगा? 5 प्रवेशित। तो चैन इन फ्लक्स जो होगा वो निर्गत कितना है? 800, और आउट इनसाइड कितना है? 400। तो कुल कितना हो जाएगा? 400। इसको मैं सीधा वोल्ट अपॉन मीटर में ले रहा हूं, न्यूटन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये उस निकाय का अंदर फ्लक्स है। तो अब बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो ये हमारे पास किससे? बंद पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स, परिबद्ध फ्लक्स जो बंद पृष्ठ ने खुद ने दिया फ्लक्स वो कितना है? 400। अतः गॉस के नियम से, ये गॉस के नियम से क्या कहते हैं कि चैन इन फ्लक्स जो होगा उस बंद पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स परिबद्ध था वो कितना होता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू निकालना अपने को, समेशन क्यू तो हो जाएगा डेल्टा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है? 400, ये कितना है? 8.85 इंटू 10^-12। इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितना रहेगा? 4 × 8.85 × 10^2, ये दो थी उसको लेके तो -10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0, 5 × 20, 2 × 8, 8 × 32, 34, 3 × 8 गुणा करेंगे तो 8 × 32, 33 × 10^-10, और ये कितना देगा? कूलम चार्ज था इसके अंदर।
सिस्टम है। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो कुल दो प्रॉब्लम पर आधारित है, ठीक है। आपके बुक में नैनो कूलम दे रखा है, अगर नैनो कूलम की प्रॉब्लम लेके आए तो 3.54 × 10⁻¹ कूलम, और 9 का मतलब कितना होता है, 9 कूलम, 10⁻¹, वो बन जाएगा नैनो, तो 3.54 नैनो कूलम आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास थी वो देख सकते हैं, ये कह रहा है 2.4 मीटर व्यास वाले, तो गिवन में दे रखा है 2.4 मीटर व्यास, मतलब डायमीटर दे रखा है 2.4 मीटर व्यास, तो रेडियस होगा वो कितना होगा डायमीटर का हाफ, इसका मतलब 1.2 मीटर। 1.2 मीटर का आवेशित, 1.4 मीटर व्यास के एक आवेशित, एक समान आवेशित चालक गोले के गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, इसका मतलब गोले का सिग्मा दे रखा है, वो कितना दे रखा है 80 माइक्रो कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर लाएंगे तो कितना आएगा 80 × 10⁻⁶, और कूलम अपॉन कितना देगा मीटर स्क्वायर सेम। तो गोले का आवेश एवं गोले के प्रश्न से निर्गत बिल्कुल विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो पहले हमें निकालना है गोले का आवेश, दो तरह क्वेश्चन में पूछी गई है टू फाइंड आउट में। पहली चीज पूछी है गोले का आवेश, वो आवेश कितना सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए, यहां से हम क्यू निकाले तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब देखो बेटा ए तो मैंने नहीं देखा, परंतु रेडियस दे रखी है, और गोला दे रखा है, तो गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो 4 × 3.4 आर कितना दे रखा है 1.2 × 1.2, ये तो हमने पाई स्क्वायर का क्षेत्रफल किया, सिग्मा का जो मान है 80 × 10⁻⁶ सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 × 1.34 हो जाएगा 1.44 × 80, मतलब 8 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10⁻⁵, ठीक है। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आएगा 1.5 × 10⁻³ कूलम, इसको बोल देते हैं 1.45 मिली कूलम, ये तो आ गया चार्ज। अब कह रहा है गोले के प्रश्न निर्गत कुल फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स वो कितना होगा फाई माने समेशन क्यू अपॉन कितना देगा एप्सिलॉन नॉट 1.45 × 10⁻³ अपॉन में 8.85 × 10⁻½। हल करने पर 1.6 × 10⁻⁸ ये आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद आज की लेक्चर सीरीज हम यही खत्म करेंगे। आज की जो तो लेक्चर सीरीज थी उसमें केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया गया था, कल की लेक्चर सीरीज के अंदर हम गॉस के नियम के दो एप्लीकेशन करेंगे, एक तो एक समान आवेश रेखीय तार वाला और दूसरा लेंगे समतल आवेश चदर के बारे में, ठीक है। तो चालक हुए कुचालक वो देख लेंगे पहले कौन से करने को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को जो क्लास 12 में पढ़ते हैं शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।